नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के पानीपत जिले के समलखा कस्बे में हल्दाना बॉर्डर पर स्थित निरंकारी समागम ग्राउंड में 75वां संत निरंकारी समागम चल रहा है, जिसमें भारत समेत 50 देशों के करीब 10 लाख लोग पहुंचे हुए हैं। यहां रूहानियत से इंसानियत के संगम के बारे में लोगों को माता सुदिशा प्रवचन दे रही हैं। इस बीच समागम में शाम के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। उनके साथ रोहतक शहरी विधायक भारत भूषण बत्रा समेत अन्य कांग्रेसी भी मौजूद थे। सभी ने वहाँ माथा टेका और माता सुदीक्षा से रूबरू हुए। समागम के बाद हुड्डा कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सतगुरु माता ने कहा कि भक्त हर किसी ईश्वर का ही रूप समझ कर सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और उसका उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। ऐसे भक्तों की भक्ति में फिर किसी प्रकार के डर का भाव नहीं रहता। प्रेम से किए गए हर कार्य का आधार केवल प्रेम ही होता है, जिसकी प्रेरणा प्रेम ही होती है। समर्पित भाव से की जाने वाली सेवा सदैव परोपकार के लिए होती है। वहीं दूसरी ओर संसार में यदि देखा जाए तो जो प्रेम दर्शाया जाता है उसमें भी प्राय कोई न कोई निजी स्वार्थ छिपा होता है। निरंकारी संत समागम का एक मुख्य आकर्षण निरंकारी प्रदर्शनी है, जिसका शुभारंभ वर्ष 1972 से हुआ, जिसमें निरंतर हर वर्ष मिशन के इतिहास, उसकी विचारधारा एवं सामाजिक गतिविधियों को दर्शाया जाता है। इस वर्ष भी यह प्रदर्शनी समागम का मुख्य आकर्षण बनी हुई है। समागम के दौरान हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इस वर्ष प्रदर्शनी को 6 भागों में दर्शाया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाया गया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न